आदरणीय पप्पू यादव जी बिहार के गरीबों के मसीहा आज गरजेंगे। लोगों को हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, बिना अपने सुविधा से लोग आ रहे हैं। सीमांचल और कोसी की हक की लड़ाई है। बिहार सरकार का जो नीति चल रहा है गरीब गुरबा के खिलाफ और केंद्र सरकार का, और दिल्ली में बैठे हुए लोग और पटना में बैठे हुए लोग का सिंहासन हिलने वाला है। आज पप्पू यादव पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया महारैली का आगाज करेंगे और कहा जा रहा है कि यहीं से शुरुआत होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के पूर्णिया की दावेदारी को लेकर। अटकलें कई सारी हैं, लेकिन उससे पहले ये महारैली बहुत कुछ साबित करने को तैयार है। दावा यह है कि यहीं से गरजेंगे पप्पू यादव और कहेंगे कि पूर्णिया और सीमांचल में क्या क्या कमियां रह गई है और उनका प्रतिनिधित्व कौन कौन करेगा, जिसके लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। रंगभूमि मैदान में आज ही 11 बजे से तय रखा गया है समय महारैली की। आप देख सकते हो मेरे पीछे मंच बनकर तैयार है प्रणाम पूर्णिया महारैली का, साथ ही साथ तैयारियां पूरी जोरों पर है। जो अंतिम क्षणों में जो आखिरी टच कहते हैं जिसे, वो दिया जा रहा है। कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं जो तैयारियों को लगातार देख रहे हैं, लगातार पप्पू यादव की इस महारैली के लिए कार्यरत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ राजेश यादव भी, प्रदेश प्रवक्ता हैं। बताएं कैसी तैयारियां हैं और आज की महारैली में क्या कुछ होने वाला है? अपार भीड़, अपार लोगों का इस मैदान में दिखाई देगा। 5 लाख लोगों से अधिक लोग यहाँ आने की संभावना है। कोसी और सीमांचल के हर घर से एक एक बच्चा से लेकर सब लोग उठने आने के लिए, हर परिवार से आने के लिए तैयार है। हम ऐसी तैयारी है कि पूर्णिया में ऐसा रैली कभी नहीं हुआ था। ये रैली नहीं, रैला कहा जाएगा। जो स्थिति है बनी हुई है, लोगों को हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, बिना अपने सुविधा से लोग आ रहे हैं। और लोग हर जगह ट्रैफिक की व्यवस्था में प्रशासन से ढुल मिल रुपये अपनाया गया है। प्रशासन जो है सड़क पर नहीं है, जिसके कारण कहीं न कहीं रैली में आने से बाधा भी लोगों को दिया जा सकता है। अच्छा, एक खास चीज जानना है, आज की रैली में क्या संदेश देंगे पप्पू यादव पूर्णिया और आसपास की जनता को? सीमांचल और कोसी की हक की लड़ाई है। याद कीजिए वो दौर जब आते थे नेता मंच पर से भाषण देकर चले जाते थे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देंगे। दर्जा मिला क्या? पूर्णिया मधेपुरा के मकई फैक्ट्री की कंपनियां देंगे, मिला क्या? इन तमाम मुद्दाओं के साथ आदरणीय पप्पू यादव जी बिहार के गरीबों के मसीहा आज गरजेंगे, और दिल्ली में बैठे हुए लोग और पटना में बैठे हुए लोग का सिंहासन हिलने वाला है। और प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का आप भीड़ देखिएगा और माता और बहनों का आशीर्वाद देकर आप चौंक जाइएगा कि पप्पू यादव आज ही आप सांसद मान लीजिएगा। बिल्कुल, ये दावा है पप्पू यादव के यहाँ गरजने से दिल्ली और पटना की सियासत हिलने को तैयार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रंगभूमि मैदान का जो पूरा मंच तैयार किया गया है, प्रशाल तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक बैठने की व्यवस्थाएं होंगी। जो लोग आएंगे और दावे के मुताबिक लाखों की संख्या में यहां पर आज भीड़ जुटने वाली है। कुछ और लोग यहां पर हैं, आप बताएं पूर्णिया से हैं या बाहर से आए? मधुबनी जिला से। अच्छा, क्या उम्मीद लगा रहे पप्पू यादव के आज की रैली का क्या असर पड़ेगा? आज के पप्पू यादव के आज के रैली से केंद्र और बिहार की दोनों सरकार हिलना स्टार्ट हो जाएगी, और पूर्णिया से जनता, पूर्णिया की जनता से माननीय जनसेवक पप्पू यादव जी का समझौता हो गया, गठबंधन हो गया है। यहाँ की जनता कम से कम 3-4 लाख मतों से इनको जिताएगी। आज भी इस रैली में 5 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। चाचा आप कहाँ से आए? हम मधुबनी से। आप ही मधुबनी से? अच्छा, ये बताइए पप्पू यादव चूँकि प्रणाम पूर्णिया लेकर चल रहे हैं, आप जैसे उनके जो चाहने वाले हैं या जो सेवक हैं, जो भी हैं जनता के, आप लोग मधुबनी जिला से यहाँ चल के आ रहे हैं, क्या उम्मीद जता रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से बाहर भी उतने बड़े कदम को रखेंगे? हम लोग आए हैं प्रणाम पूर्णिया के मीटिंग देखने के लिए आए हैं, और बिहार सरकार का जो नीति चल रहा है गरीब गुरबा के खिलाफ और केंद्र सरकार का, वही हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए आए प्रणाम पूर्णिया। तो न केवल पूर्णिया से बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ आए हैं पप्पू यादव की इस महारैली में शामिल होने, वो ये जानने के लिए कि पप्पू यादव यहाँ से क्या कुछ करने वाले हैं आज की तारीख में। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि पप्पू यादव की ये महारैली जब होगी तो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल भी आ सकता है, कई समीकरण बिगड़ भी सकते हैं, कई समीकरण नए बन भी सकते हैं। एक बार फिर से आपको हम तैयारियों का जायजा दिखा दें, मुख्य मंच बनाया गया है, साथ ही साथ
यहाँ पर तकरीबन लाखों लोगों की कैपेसिटी की ये बातें कही जा रही है। आप मंच पर देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है, एक बड़ा सा मंच तैयार है, रैंप भी बनाया गया है ताकि पप्पू यादव आगे आकर अपने यहाँ के लोगों से मुलाकात कर सके, बात कर सके, अपने संदेश को लोगों तक पहुँचा सके। लगातार हम आपको इस महारैली की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।